हेलो गाइस, मैं हूं अंकित कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमारी क्लच प्लेट। तो पहले मैं बता दूं क्लच प्लेट कैसे होता क्या है। क्लच प्लेट जो हमारी काम आती है वो गियर जब हम चेंज करते हैं तो उस टाइम हम प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो जो हमारी क्लच प्लेट होती है वो करती क्या है कि जो हमारा इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है उसको हमारे व्हील तक पहुंचाती है, या आप कह सकते हैं कि वो उसको मतलब व्हील चलाने में हेल्प करती है और रोकने में भी। तो गाइस, हमें करना क्या होता है कि क्लच प्लेट हमें पता नहीं चलता है कि हमारी क्लच प्लेट कब ख़राब हो गई है। बहुत से लोग ऐसे कि हैं वो गाड़ी चलाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी की क्लच प्लेट हमारी कब ख़राब हो गई। और ये कोई सर्टेन नहीं होता है कि हाँ ये 10,000 पे ख़राब होनी है, 50,000 पे ख़राब होनी है, 1,00,000 पे ख़राब होनी है। अगर आप बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा क्लच का मतलब यूज़ करते हैं प्रॉपरली, जहाँ पे करना चाहिए वहीं पे करते हैं, अननेसेसरी उसको ऊपर लोड नहीं डालते, अननेसेसरी यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारी क्लच प्लेट गाड़ियाँ की वो बहुत चल जाती हैं। क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो अराउंड समथिंग मैंने मतलब जाइलो थी तो वो 1,50,000 चली थी और उसमें क्लच प्लेट कभी चेंज ही नहीं हुई थी क्योंकि उसकी कभी नौबत नहीं आई थी क्लच प्लेट चेंज होने की, वो अभी भी चल रही थी। तो होता क्या है कि हम क्लच प्लेट हमारी कब ख़राब होती है, जब हम उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं। जैसे हम चला रहे हैं, अपना पैर फुटरेस्ट की जगह ना रख के क्लच पे ही रखे हुए हैं तो उस पर एक प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, जल्दी नहीं ख़राब होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपको आपकी क्लच प्लेट को इफ़ेक्ट करती है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी क्लच प्लेट कब ख़राब हो चुकी है। जैसे हम क्लच प्रेस करते हैं तो जो हमारी क्लच प्लेट अगर सही है तो वो बिल्कुल लाइट होंगी या बहुत ही लाइट आराम से प्रेस होंगी, और अगर हमारी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो जाती है तो वो बहुत हार्ड हो जाती हैं। क्योंकि होता क्या है, क्लच प्लेट हमारी जो अगर ख़राब हो गई है तो हमारा क्लच पैडल जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। आपको पता चलेगा कि हाँ यार, हमारी क्लच प्लेट चली गई है या क्लच बैठ गया जिसको कहते हैं। और क्लच प्लेट ख़राब होने से होता क्या, हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देती है। अगर हमारी गाड़ी एवरेज 15 का दे रही है तो वो बहुत कम हो जाएगा, वो 15 का भी एवरेज नहीं दे पाएगी और पिकअप में भी प्रॉब्लम आएगी। गाड़ी उठते टाइम जो पिकअप रहता है, गाड़ी अचानक से उठती है तो वो पिकअप भी उतना नहीं देखने को मिलेगा, पिकअप भी कम हो जाएगा। और जो हमारी एक स्पीड होती है ना कि हम गाड़ी अपनी चलाते हैं, स्पीड एक होती है जैसे कि 100 भी जा रही है, 120 भी जा रही है, तो आपका होगा क्या कि इंजन आवाज़ तो करेगा, इंजन अपनी पूरा जोर लगाएगा, बट वो जो एनर्जी है जो इंजन अपनी वो व्हील तक क्लच प्लेट प्रॉपरली पहुंचा नहीं पा रही है, डिलीवर नहीं कर पा रही, क्योंकि क्लच प्लेट हमारी ख़राब हो गई जिसकी वजह से हमें उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है। तो बहुत से लोग जैसे कि आपने बाइक में भी देखा होगा कि एक्सीलरेट ज़्यादा करो बट लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, तो वो इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि हमारी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है, क्लच प्लेट चली जाती है, तब उसके बाद हमारी जो है वो स्पीड नहीं बढ़ती है। तो ये एक साइन होता है जब जिससे हमें पता चलता है कि क्लच प्लेट बिल्कुल ख़राब हो गई। आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि एक मेरा अंकल है, उनकी तो क्लच प्लेट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अगर आप क्लच प्लेट मतलब क्लच दबा के मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया और अब मैं उसे उठा रहा हूँ, मैंने पूरा पूरा क्लच रिलीज़ कर दिया बट वो उठ ही नहीं रही है, उसका क्लच बिल्कुल ही बैठ गया था, बिल्कुल क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट उसकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उनकी ड्राइविंग कैसी थी कि वो क्लच ज़्यादा प्रेस करते, क्लच ज़्यादा यूज़ करते थे, या आप सिटीज़ में चलाते हैं और क्लच का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इसकी वजह से हमारी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो आपको क्लच प्लेट ख़राब होने से कैसे बचाना है कि आप अपनी ड्राइविंग क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करिए, ज़्यादा क्लच का जहाँ पे नेसेसरी यूज़ है वहीं पे यूज़ करिए, ठीक है। और हाईवे वगैरह में जाते टाइम आपको सिंपली गियर डाल दिया आपने, उसके बाद क्लच का तो कोई यूज़ है नहीं, अपना आराम से जो अपना लेफ़्ट फुट है उसको या तो फुट रेस्ट पे रखिए या अपने फ्लोर पे रखिए, उस पे अननेसेसरी दबाव नहीं डालेंगे हम। तो इससे होगा क्या, हमें एवरेज भी अच्छा मिलेगा और हमारी क्लच प्लेट जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेंगी, मतलब लॉन्ग लाइफ क्या मतलब ज़्यादा चलेंगी आप कह सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि हमारी क्लच प्लेट कब ख़राब हुई थी। नंबर फर्स्ट कि आपका क्लच हार्ड हो जाएगा, सेकेंड में है कि हमें उसकी स्पीड नहीं मिलेगी, हम जितना एक्सेलरेट करेंगे उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, थर्ड जो है वो हमारा एवरेज डाउन हो जाएगा, फोर्थ हमारा पिकअप भी नहीं रहेगा गाड़ी में, तो इससे हमें पता चल सकता है। और फिफ्थ पॉइंट आप एक लगा दें, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लच प्लेट चली गई है तो आपको थोड़ा स्मेल भी आएगी, गाड़ी के अंदर भी आ सकती है कि आपको लगेगा कि इंजन में कुछ जल रहा है। वो होता क्या कि हमारी क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है और वो जल रही होती है, उसी की वजह से जो है वो स्मेल आती है। सो गाइस, आप अपना जो क्लच प्लेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाइक्स में भी, कार्स में भी, तो आपको अपनी ड्राइविंग जो है वो बहुत ही स्मूथ रखनी चाहिए। और अगर आप सिटी में चल रहे हैं वहाँ तो आप इतना नहीं कंट्रोल कर सकते हैं उस हिसाब से, बट लेकिन जहाँ आपसे हो सकता है आप अच्छे से गाड़ी ड्राइव करें ताकि आपकी क्लच प्लेट जो है वो लंबे टाइम तक चलेगी और उसमें लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी गाड़ी में। सो गाइस, ये था एक आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।